हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू वीडियो। यस, आज मैं आप लोग के लिए एक नया प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ जो काफ़ी अफोर्डेबल है एंड काफ़ी यूजफुल है। सो आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ वो है ये। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड सेनफे एंड दिस इज़ देयर फेस एक्ने क्लियरिंग ग्लो पैच विद हाइलुरोनिक एसिड 100%। लुक एट दैट। सो इसके बारे में अगर मैं पहले आपको एक बेसिक नॉलेज देती हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ द एक्ने पैच? एक्ने पैच इज़ अ पिंपल पैच। जब आपको एक्टिव एक्ने होता है, जब लाइक एक्ने निकलना शुरू हो रहा होता है आपका पिंपल, तब ना वो उसमें आप देखोगे हल्का हल्का वाइट वाइट हो जाता है, पस जिसको बोलते हैं। तो उसको एक दिन में काम डाउन करना हो, अगर आपको, अगर आपका नेक्स्ट डे कोई ओकेजन है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई आपका फेस्टिवल है और वॉट एवर, कोई पार्टी है या कुछ भी ऐसा ओकेजन है जो आपको एकदम आपको वहाँ पे ग्लो एंड ग्लैम अप करना है, तो उसके लिए ये बहुत हैंडी है। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे पैचेस हैं, बट इसके बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ आपसे वो मैं आप लोग को बताती हूँ। सो दिस इज़ द एक्ने पैच जिसका प्राइस है 279 rupees फॉर 36 पैचेज। यू गेट 36 पीसेज इनसाइड द पैच, इनसाइड द पैक, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। लाइक सीरियसली गाइज, बिकॉज अगर आप लोग मुझे कुछ टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो यू मस्ट बी नोइंग कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन है। आई समटाइम्स गेट सो मैनी एक्ने। रिसेंटली भी अभी जब से मानसून आया है, यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है, माई स्किन इज़ बिहेविंग लाइक एनीथिंग। बहुत सारे पिम्पल्स हो रहे हैं। सो दीज बेबीज़ आर कमिंग सो हैंडी कि मैं आपको बताती हूँ। ऑल दो दिस इज़ अ न्यू पैक जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, मेरा ऑलरेडी एक अदर दूसरा पैक चल रहा है, दिस इज़ माई सेकेंड वन। सो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। कल ये ना मैंने एक डेमो वीडियो भी बनाया है, वो मैं यहाँ पे अभी आने वाला है, आप लोग उसको जाके ज़रूर देखिए तो आपको पता चलेगा हाउ दिस थिंग वर्क्स, डज इट रियली वर्क और नॉट, या सिर्फ मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। सो या चलिए आप लोग वो वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों से लास्ट में बातें करती हूँ और इसके बारे में। ओके गाइस, सो मैं अभी ना मैंने बस अपना फेस वॉश करके मैं बैठी हूँ टू यूज़ दैट पिम्पल पैच। तो एज यू कैन सी आई हैव दिस पिम्पल पॉपिंग अभी, और भी है बट अभी इतने नहीं है कि उस पर पैच लगाने की ज़रूरत पड़े। दे आर जस्ट लाइक कोई डेड हो चुका है एंड दिस वन इज़ लाइक कमिंग अप, तो ये कल वल तक हो जाएगा। बट एनीवे, वी आर टॉकिंग अबाउट द पैच। तो इस पर हम यूज़ करेंगे बिकॉज इसमें ना अभी गंक दिख रहा है वाइट वाइट, तो ये क्या करेगा रात भर में उसको हील करके एंड पूरा गंक बाहर निकाल देगा। ओके सो आई गॉट इट, ये रहा। द वन गुड थिंग इज़ कि ये ना एक और ऐसे कवर शील्ड में आता है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज जनरली जो आते हैं ना पिंपल पैचेस वो बस आउटर पैकेजिंग में ही आते हैं, बट दे गिव अनदर पैकेजिंग लाइक दिस ताकि वो और सिक्योर आपका जो पिंपल पैच है वो रहे। एंड ऑल्सो दे हैव द डिफरेंट साइजेज, अगर आपका पिम्पल बहुत बड़ा है तो यूज़ द बिगर वन एंड इफ़ योर पिम्पल इज स्मॉल तो यूज़ द स्मॉलर वन। तो इसीलिए भी ये बहुत अच्छा है। जनरली जो मैं अब तक यूज़ करते हुए आई हूँ उसमें क्या होता है कि वो एक ही साइज़ का रहता है, तो इफ इट्स बिग एंड स्मॉल इट इज़ स्मॉल। सो या चलिए, तो मेरा जो ये पिम्पल है दैट इज़ अ वेरी स्मॉल वन, तो आई एम गोना यूज़ अ स्मॉल पैच देयर एंड आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी भी एक यूज कर चुकी हूँ इसमें से। ओके ओके, सो दिस इज स्टिक नाउ। ओके दिस इज डन नाउ, बस अब आपको इसको ओवरनाइट छोड़ देना है टू वर्क इटसेल्फ, अपने आप हील करेगा एंड इन मॉर्निंग योर पिंपल विल बी ड्राइड आउट। बस इसके बाद अपना आप नॉर्मल जो रूटीन करते हो नाइट स्किन केयर वो कर सकते हो। आई मेजरली प्रिफर दिस यूजिंग इन नाइट बिकॉज रात में इस पैच लगा के सो गए तो सुबह तक वो हील हो जाता है, दिन भर लगाना थोड़ा अनईजी भी होता है, तो इसीलिए। नाउ आई जस्ट यूज माई मॉइस्चराइजर, बाय द वे टुडे आई एम यूजिंग द काया वन बिकॉज करेंटली माई स्किन इज़ नॉट फीलिंग द बेस्ट थैंक्स टू मॉनसून ह्यूमिडिटी। बढ़िया, एनीवे ओके। सो आपने देखा कि इसके ऊपर आप अपना कुछ भी लगा सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप पहले मॉइस्चराइजर लगाओ फिर पिंपल पैच लगाओ तो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज उस पर ऑलरेडी जो है एक लेयर आ चुका है। सो यू जस्ट नीड टू यूज दिस ऑन योर बेयर स्किन। ओके तो चलिए अब मैं आप लोग को कल सुबह दिखाती हूँ कि क्या होता है इसके साथ। सो या
See you in the morning. All right, guys. So it's morning now, and it's time to see the real magic. Does this patch really work or not? Yeah. See. No. All the dirt has come out by itself. मैंने कुछ भी नहीं किया है. And you can see the pimple is gone. It's not even there. और कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ अंदर भी अभी फील हो रहा हो. No. It's fully gone. बस अब अपना फेस वॉश करके नॉर्मल क्रीम लगा के I'll be good to go. So yeah. This thing really works. All right. तो आप लोगों ने मेरा डेमो वाला देख लिया कि मेरे को यहाँ पिम्पल था एंड हाउ इट वैनिशेज इन वन नाइट. बिल्कुल गायब हो गया. एंड द बेस्ट पार्ट टू यूज़ अ एक्ने पैचेस कि उससे कोई निशान भी नहीं रहता. जब आप पिम्पल पॉप कर लेते हो या वो फूटता है एंड फिर उसमें से गंक निकलता है तो इट लीव्स अ मार्क जिसको जाने में मंथ्स लग जाते हैं, बहुत महीनों में वो जाता है. बट व्हेन आई यूज दिस, आप लोगों ने खुद देखा कि मेरे को यहाँ पे कोई भी मार्क नहीं बचा. द पिम्पल वॉज गॉन लाइक कि कुछ कभी वहाँ पे था ही नहीं. आई वॉज नॉट हैविंग एनी पिम्पल देयर. तो इसीलिए आई जस्ट फ्रीकिंग लव दिस प्रोडक्ट एंड आई रिकमेंड टू एवरी पर्सन. अगर आपको ये कोई एक्ने प्रोन है या आपको कभी कभी आते हैं, एक्ने प्रोन स्किन भी नहीं है बट आपको कभी, क्योंकि हर किसी को पिम्पल्स तो आते ही हैं, दैट इज़ फॉर श्योर. किसी की स्किन इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती हर टाइम. तो दीज आर रियली हैंडी. आप इनको अपने साथ ट्रेवल कर सकते हो लेके. यू कैन जस्ट थ्रो इट इन योर बैग एंड यू आर गुड टू गो. सो आई जस्ट रियली लव दिस. आप हमेशा मेरे स्किन केयर में या वैनिटी में एवरी टाइम यू विल फाइंड अ एक्ने पैच. जब से मैंने ये वाला यूज़ करना शुरू किया है ना, सीरियसली मैंने दूसरा वाला छोड़ दिया है. जो मैं पहले आपको दिखता था ना मेरे चैनल पे, मैंने वो लिटरली छोड़ दिया है जब से मैं इस पे आई हूँ. बिकॉज दे आर सो बजट फ्रेंडली गाइज एंड इट वर्क्स टू. सो इसीलिए इससे अच्छा क्या हो सकता है ना. तो या तो चलिए, आई होप आपको ये आज का रिव्यू वीडियो पसंद आया हो. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून. एंड अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज़ फॉलो मी देयर ऑल्सो. वहाँ पे मेरे नए नए वीडियोस आते हैं, रील्स आते हैं, फैशन रील्स, मेकअप रील्स, स्किन केयर एंड एवरीथिंग इज़ देयर. सो या चलिए, मैं मिलूँगी आपसे जल्दी ही नेक्स्ट टाइम. यू गाइस टेक केयर. बाय बाय.